जब जब हमारे जीवन में अच्छा या बुरा होता है तो इसका सीधा संबंध हमारी कुंडली से होता है। इसी के चलते अच्छे बुरे का ज्ञान भी हमें जरूर होता है। बता दें आपको, इस देश में राशि और कुंडली को बहुत ज्यादा माना जाता है। इसी के जीवन में अच्छा बुरा समय भी आता जाता रहता है। ये सब हमारे जीवन के ग्रहों की चाल के आधार पर होता रहता हुआ दिखाई पड़ता है। अब कुछ राशि कुछ ग्रह काफी ज्यादा परिवर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें अप्रैल महीने का अंतिम सप्ताह बहुत ज्यादा सुहाना बनकर आ रहा है। इसमें इन दो राशि के लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। काफी समय के बाद ये उम्दा समय अब रहने वाला है। बता दें इनकी तिजोरी अब हमेशा हमेशा के लिए नोटों से भरी हुई नजर आएगी। वहीं आपका कल्याण होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आइए नजर डालते हैं और जानते हैं आखिर कौन सी है वो दो राशियां। तुला राशि, आपको बता दें अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह में तुला राशि को बहुत ज्यादा लाभ होगा। इनको अब विशेष लाभ होने के योग बन रहे हैं। अब ये लोग परिवार में खुशी के साथ जीवन जीते हुए नजर आएंगे। बहुत ज्यादा इनको कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता है। आसपास का वातावरण इनका काफी ज्यादा खुशनुमा बन जाएगा। अपार धन की लाभ और अपार धन की प्राप्ति भी इनको जरूर होगी। मकर राशि, आपको बता दें मकर राशि के जीवन में काफी कुछ नया होने जा रहा है। अब इनका उद्धार हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। वहीं इनको आजीवन सोच से भी ज्यादा और सोच से भी ज्यादा धन मिलने के योग बन रहे हैं। प्यार में भी इनको वफादारी के साथ काम करने की काफी ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल से आकाश की रिपोर्ट।